वुमेन रिप्रोडक्शन में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टर्म है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच प्रोड्यूस गैमेट, ऐसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो गैमेट प्रोड्यूस करता हो, एंड सेक्स हार्मोन, और क्या प्रोड्यूस करता, सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता, उसे कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। Then next is secondary sex organ. Those reproductive organ which perform important function in reproduction. ऐसा reproductive organ जो बहुत important function perform करता है किसमें, reproduction में, but do not form gametes. लेकिन वो gametes और secrete sex organ, ना तो वो gamete का formation में help करता है, ना तो वो कोई hormone secrete करता है, उसे क्या बोलते हैं, secondary sex organ. Then next is gametogenesis. It refers to the process of formation of gametes. Gametes का formation होना from sexual reproduction से, उसे क्या कहते हैं, gametogenesis. जहां भी term आए gametogenesis, gametes से समझ लेना, gametogenesis क्या होता है, gamete का formation होना, उस process को क्या बोलते हैं, gametogenesis. Spermatogenesis, it is a process of formation of spermatozoa. ये ऐसा process होता है जिसमें formation किसका होता है, spermatozoa का formation होता है in the seminiferous tubule of the testis. Testis के seminiferous tubules में spermatozoa का formation होता है, spermatozoa को commonly sperm भी कहा जाता है, मतलब sperm का formation हो रहा है किसके अंदर, seminiferous tubule of the testis. This process is known as spermatogenesis. Then next term is spermiogenesis. It is the process of transformation of spermatite into spermatozoa. जब spermatite किसमें change होता है, spermatozoa में change होता है, उस process को बोलते हैं spermiogenesis. Then next term is spermiation. It is a process of release of spermatozoa from the seminiferous tubules. हमने भी बताया spermatozoa को commonly क्या बोल सकते, sperm बोल सकते, ऐसा process जब sperm release होता है, कहाँ से release होता है, seminiferous tubules से release होता है, उस process को बोलते हैं spermiation. Then next term is oogenesis. It is a process of formation of ova. ओवा का फॉर्मेशन होना ओवरी के अंदर, उस प्रोसेस को बोलते ओजेनेसिस. ओवा का फॉर्मेशन होना किसके अंदर, ओवरी को अंदर होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओजेनेसिस. देन नेक्स्ट इज मेनार्च. द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी इन प्राइमेट फीमेल इज कॉल्ड मेनार्च. बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता प्यूबर्टी के समय में, मतलब पहला मेंस्ट्रुएशन जब होता है, उसे क्या बोलते हैं, मेनार्च बोलते हैं. और मेंस्ट्रुएशन सिर्फ और सिर्फ प्राइमेट में होता है, नॉन प्राइमेट में कौन सी साइकिल होती है, ईस्ट्रस साइकिल, इसीलिए यहाँ पे लिखा है प्राइमेट फीमेल. देन नेक्स्ट टर्म इज ओवुलेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ रप्चर ऑफ अ मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल. मतलब जब मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल टूट जाता है, रप्चर का मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाता है, और वो क्या रिलीज करता है, ओवम रिलीज करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन. देन नेक्स्ट टर्म इज एलएच सर्ज. इट रिफर्स टू द मैक्सिमम लेवल ऑफ एलएच ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ मेंसुरल साइकिल. मेंसुरल साइकिल, मिडिल ऑफ मेंसुरल साइकिल कितने दिन पे होती, 14 डेज पे क्या होता है, एलएच हार्मोन जो होता है वो हाई पीक पे चला जाता है, मतलब उसका लेवल जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज बोलते हैं. देन नेक्स्ट टर्म इज मेनोपॉज. इट रिफर्स टू द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर. जब 45 से 50 ईयर इनके बीच में, या इसी एज में जब मेंस्ट्रुएशन पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज. Then next term is semen. The fluid mixture of seminal plasma and the spermatozoa is called semen. मतलब seminal plasma plus sperm, spermatozoa को commonly sperm भी कहा जाता है, इन दोनों के mixture को क्या बोलते हैं, semen बोलते हैं. Then next term is insemination. It refers to the transfer of sperm into female genital tract. sperm का transfer होना किसमें, फीमेल जेनिटल ट्रैक में, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनसेमिनेशन.
देन नेक्स्ट टर्म इज फर्टिलाइजेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ अ फीमेल गैमेट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का आपस में फ्यूजन होना, उस प्रोसेस को बोलते फर्टिलाइजेशन. जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. देन नेक्स्ट टर्म इज क्लीवेज. इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ये पहला फेज होता है किसका, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का. कौन सा होता है, क्लीवेज होता है. वेयर जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, जिसमें जाइगोट के अंदर क्या कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है. इम्प्लांटेशन. इट इज अ प्रोसेस इन विच एम्ब्रियो बिकम अटैच टू द वॉल ऑफ द यूट्रस. ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एम्ब्रियो जो होता है वो किससे अटैच होता है, यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है, तब वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन. अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद द वॉल ऑफ द यूट्रस, दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन. देन नेक्स्ट टर्म इज अम्ब्रिकल कॉर्ड. इट इज द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द प्लेसेंटा. ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लेसेंटा को कनेक्ट करता है किससे, फीटस से. प्लेसेंटा करता क्या है, फीटस को जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, ये सारी चीजें ये प्लेसेंटा से ट्रांसफर होती, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं फीटस के वो भी इस प्लेसेंटा से बाहर निकलता है. देन नेक्स्ट टर्म इज फीटल इजेशन रिफ्लेक्स. द इनिशियल मेल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस इनिशिएटेड बाय द फुली डेवलप फीटस. जब यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है डिलीवरी के लिए, मतलब मदर की बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन होता है डिलीवरी के लिए, और जब उसमें बेबी भी थोड़ा बहुत फोर्स लगाता है, मतलब ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत जब फोर्स लगाता है, उसी को क्या बोलते हैं, फीटल इजेशन रिफ्लेक्स. देन नेक्स्ट टर्म इज पार्चुरेशन. बर्थ ऑफ बेबी या डिलीवरी ऑफ बेबी, दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन. एंड देन नेक्स्ट टर्म इज लैक्टेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मिल्क इन द मैमरी ग्लैंड. ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मिल्क की सिंथेसिस होती है किसके अंदर, मैमरी ग्लैंड के अंदर होती, टूवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के खत्म होने के बाद मैमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क की सिंथेसिस होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन. और मदर के मिल्क में कुछ मंथ तक उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है. और कौन सी एंटीबॉडी होती है मदर के मिल्क में, IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जो कि फीटस को जो है अलग अलग डिजीज से उसे प्रिवेंट करती है.